इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर मुझे पता चल चुके हैं ब्रांड न्यू सीक्रेट चीट कोड, जो कि यार किसी को नहीं पता। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे ब्रांड न्यू सीक्रेट चीट कोड, साथ ही में गाइस आरजेएस टूल के अलावा जितने भी नए फीचर आए ना सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो। तो गाइस जो सबसे पहला चीट कोड आता है ना वो आता है डायनासोरस का। तो अगर आप डायलर में जाके 50 डायल करते हो ना तो आपको एक वेलोसिराप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वेलोसिराप्टर को आप ड्राइव नहीं कर सकते, ये अपने आप ही घूमता रहता है। और गाइस ये एनपीसी को मारता भी है, कैसे मारेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप 5 पॉइंट डायल करते हो ना तो भाई टीरेक्स भी आ जाएगा, जो कि डायनासोर आपको जुरासिक पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आप इसे ना स्पॉन भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप डायल करते हो 52 तो यहाँ पर एक और डायनासोर आएगा जो कि है भाई स्पाइनोसोरस। और गाइस ये सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर है पूरे गेम के अंदर। और गाइस ये भी एनपीसी और बाकी डायनासोरस के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप 53 डायल करते हो ना तो यहाँ पर पूरे इंडियन बाइक का सबसे बड़ा एनिमल, सबसे बड़ा डायनासोर आ जाएगा जो कि ये ब्रैकियोसोरस भाई। लेकिन ये किसी को काटता वगैरह नहीं है भाई, अपनी धुन में चलता रहता है। तो ये थे सारे के सारे डायनासोर के चीट कोड। ऑलराइट गाइस, तो अब आती है सारी के सारी कार्स के चीट कोड। तो सबसे पहले जो स्पेशल व्हीकल है ना, अगर आप यहाँ पर 3005 डायल करते हो ना, यानी कि 3005 डायल करते हो, तो आपको निसान GTR देखने को मिलती है। और भाई दिखने में काफी कूल कार है, कलर भी काफी बढ़िया है इसका। तो गाइस लेटेस्ट अपडेट में यही वाली कार आई थी, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको दिखा दी। ऑलराइट गाइस, अब बारी यहाँ पर बाकी कार्स के चीट कोड की। तो अगर आप 9191 डायल करते हो तो आपको एक न्यू थार देखने को मिलती है। 9090 डायल करोगे तो ओल्ड वाली थार देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप 3880 डायल करोगे तो हमर कार देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप 3100 डायल करते हो तो आपको बोलेरो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप 2244 डायल करते हो तो आपको सुप्रा देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप 8123 डायल करते हो तो आपको मस्टैंग देखने को मिलती है। उसके बाद 8811 डायल करते हो तो आपको फरारी भी देखने को मिल जाती है। और गाइस अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखते जाओ कितनी सारी गाड़ियां स्पॉन होने वाली है। उसके बाद अगर आप 2020 डायल करते हो तो एंडेवर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप 1001 डायल करते हो तो आपके सामने आएगी लेजेंडर। और अगर आप 1000 डायल करते हो तो फॉर्चूनर आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके न्यू हाउस के बाहर होती है। उसके बाद अगर आप 6666 डायल करते हो तो यहाँ पर रेंज रोवर भी आ जाएगी। 300 डायल करने पर टार्जन द वंडर कार आने वाली है, जो कि बचपन में फिल्म देखी थी हमने। उसके बाद अगर आप 4000 डायल करते हो तो आपको पोर्शे भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 333 डायल करते हो तो यहाँ पर क्लासिक आने वाली है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 444 डायल करोगे तो आपको स्कॉर्पियो का S11 मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप 2000 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर रोल्स रॉयस भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप आती 800 डायल करते हो तो यहाँ पर आएगी बुगाटी वर्जन 2। उसके बाद अगर आप डायल करते हो यहाँ पर 900 तो आपको कोनिग्सेग वाली सुपर कार भी देखने को मिल जाएगी। 500 डायल करते हो तो यहाँ पर ओडी देखने को मिल जाएगी। 3333 डायल करते हो तो लैम्बोर्गिनी वर्जन 1 आएगी। 700 डायल करने पर लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 भी आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर 100 डायल करते हो तो पुलिस कार 1। उसके बाद 101 डायल करते हो तो पुलिस कार 2। तो यहाँ पर हो चुके अपनी सारी की सारी कार्स कंप्लीट। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट से वीडियो को पीछे लेकर सारे चीट कोड देख लो। ऑलराइट गाइज, अब आ रही यहाँ पर हैवी व्हीकल्स की। तो अगर आप यहाँ पर डायल करते हो 6677 तो गाइज सबसे पहले आपको देखने को मिलती है JCB, जो कि लेटेस्ट अपडेट में ही आई थी। उसके बाद अगर आप 4040 डायल करते हो तो आपको टैंक देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हैवी है। उसके बाद अगर आप 1212 डायल करते हो तो आपको ट्रक देखने को मिलेगा। 01212 डायल करते हो तो ट्रक विद ट्रेलर आ जाएगा। और सबसे लास्ट हैवी व्हीकल 606 डायल करने पर आपके पास आएगा यहाँ पर फायर ट्रक। तो यहाँ पर अपने सारे हैवी व्हीकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है गाइस सारी की सारी बाइक्स की। तो सबसे पहले गाइस अगर आप यहाँ पर 9000 डायल करते हो तो आपको स्प्लेंडर पुरानी वाली देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 6021 डायल करते हो तो आपको न्यू वाली सुपर स्प्लेंडर भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डायल करते हो 999 डायल करने पर आपको मिलेगी यामाहा VMAX। उसके बाद 888 डायल करोगे तो आपको यामाहा FZ10 देखने को मिल जाएगी। 0015 डायल करते हो तो गाइस आपको R15 देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप 4215 डायल करते हो तो आपको KTM ड्यूक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप 7777 डायल करते हो तो ड्यूक 200, ठीक है, ये भी देखने को मिल जाएगी। 8888 डायल करते हो तो ड्यूक 1290 आएगी। 5000 डायल करने पर पल्सर 200 आने वाली है। उसके बाद अगर आप 1211 डायल करते हो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वाली पल्सर भी देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद अगर आप 1210 डायल करते हो तो यहाँ पर नॉर्मल KTM देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद 1190 डायल करते हो तो KTM 1190 आने वाली है। उसके बाद अगर आप 4050 डायल करते हो तो
तो यहाँ पर अपाचे देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 777 डायल करते हो तो डुकाटी डेविल आएगी। उसके बाद 666 डायल करते हो तो यहाँ पर बनेली TNT आएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 400 डायल करते हो तो आपको KTM ZX10R देखने को मिलेगी, काफी कूल हो चुकी है ये। उसके बाद 3000 डायल करते हो तो निंजा H2R देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप 7000 डायल करते हो तो आपको हायाबुसा देखने को मिलेगी, और सबसे लास्ट बाइक अब बच चुकी है। अगर आप यहाँ पर 9999 डायल करते हो तो आएगी बुलेट। अब ये बुलेट के साथ पता नहीं क्या हुआ, इसके टेक्सचर पूरे गायब कर दिया यार। तो गाइज ये आ चुकी है अपनी सारी की सारी बाइक्स। ऑलराइट गाइज, अब बारी यहाँ पर स्पेशल व्हीकल की। तो अगर आप यहाँ पर 1111 डायल करते हो तो सबसे पहले आपको एक साइकिल देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप 0000 डायल करते हो तो एक स्कूटी आने वाली, स्कूटी प्लेजर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डायल करते हो 4444 तो यहाँ पर आएगी कोबरा बाइक। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर 6000 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रोन बाइक देखने को मिलेगी। और अब आती है गाइज सबसे खतरनाक और जहरीली व्हीकल। तो अगर आप यहाँ पर 5555 डायल करते हो तो गोस्ट राइडर बाइक देखने को मिलेगी। इसके पास में कोई व्हीकल स्पॉन नहीं कर सकते गाइज। उसके बाद 2222 डायल करते हो तो यहाँ पर ATV देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अपनी सारी की सारी स्पेशल बाइक्स। तो गाइज अब आती है यहाँ पर वाटर व्हीकल। तो वाटर व्हीकल सिर्फ एक ही आई है अभी तक। तो अगर आप यहाँ पर 3001 डायल करते हो तो आपको बोट देखने को मिल जाएगी, जो कि लिटरली में पानी में तैरती है, आप चला भी सकते हो। अब आते हैं गाइज फ्लाइंग व्हीकल्स। तो अगर आप यहाँ पर 555 डायल करते हो तो सबसे पहले आपको एक प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये फ्लाइंग व्हीकल है। उसके बाद अगर आप 8000 डायल करते हो, थोड़ा दूर चलते हैं, यहाँ पर आएगा गाइज हेलीकॉप्टर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 320 डायल करते हो तो आपको GTA 5 वाला जेटपैक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप डायल करते हो यहाँ पर 330 तो आपको GTA सन एंड्रियास वाला जेटपैक देखने को मिलेगा। तो ये हो गए अपने फ्लाइंग व्हीकल्स। ऑलराइट गाइज अब आते हैं मॉन्स्टर ट्रक। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 0300 डायल करते हो तो टार्जन मॉन्स्टर ट्रक आपको देखने को मिलेगा। पानी में इसलिए स्पॉन कर रहा हूँ बिकॉज ये काफी लंबी जंप लेता है यार स्पॉन होने के बाद। अगर आप यहाँ पर 01000 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर मॉन्स्टर फॉर्चूनर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 0900 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर कॉनिक्सेग वाला मॉन्स्टर ट्रक भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 03333 डायल करते हो तो लैम्बोर्गिनी वर्जन 1। उसके बाद 0700 डायल करते हो तो लैम्बोर्गिनी वर्जन 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप 0100 तो पुलिस कार 1 आएगी। उसके बाद 0101 डायल करते हो तो पुलिस कार 2 वाला मॉन्स्टर ट्रक भी आ जाएगा। और गाइस अब सबसे लास्ट, अगर आप यहाँ पर 09090 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर मॉन्स्टर थार भी देखने को मिल जाएगी। तो ये आगे गाइस अपने सारे मॉन्स्टर ट्रक। अब आते हैं गाइस सारे एनिमल्स के चीट कोड। अगर आप 5050 डायल करते हो तो आपको वेलोसिराप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन इसको आप इन्हें ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने दिखाया था, उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। 200 डायल करोगे तो यहाँ पर हॉर्स आएगा, और 600 डायल करोगे तो डॉग भी आ जाएगा। तो बस गाइस अभी यहाँ पर इतने ही एनिमल ऐड हुए हैं, फ्यूचर में और आ जाएंगे। अब आते हैं गाइस NPC और ऑब्जेक्ट के चीट कोड। अगर आप 12345 डायल करते हो तो यहाँ पर NPC की संख्या बढ़ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर पीछे NPC नहीं था, ये भी आ गया यहाँ पर। तो पहले 3 NPC थे, अब देखो यहाँ पर 6 हो गए टोटल। और यहाँ पर NPC कार बढ़ानी है आपको, तो यहाँ पर 54321 डायल करोगे तो आसपास जितनी गाड़ियां चल रही हैं उसकी डबल हो जाएगी। देख सकते हो वहां पर एक गाड़ी स्पॉन हो चुकी है, और एक पीछे की साइड भी हुई होगी, ये देखो यहाँ पर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 00 डायल करते हो तो आपको यहाँ पर एक फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, और ओनली 0 डायल करते हो तो आपको गैस टैंक देखने को मिलेगा। तो ये रे गाइस इतने सारे गैस टैंक आ जाते हैं एक साथ में। उसके बाद एक लास्ट कोड, अगर आप यहाँ पर 2030 डायल करते हो तो गाइस आपके आसपास है ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो जाएंगे। वो देखो एक सामने स्पॉन हो गया, एक यहाँ पर भी, देखो भाई साहब बहुत सारे ज़ॉम्बीज आप पर अटैक करने आ जाएंगे। तो ये हो गए अपने NPC एंड ऑब्जेक्ट सारे। अब आते हैं गाइस अपने प्लेयर के खुद के चीट कोड। तो अगर आप यहाँ पर 9129 डायल करते हो तो आपके प्लेयर की हेल्थ इनफाइनाइट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1215 डायल करते हो तो आपका प्लेयर है ना लॉन्ग जंप लेगा, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ सुपर जंप लेके, ये देखो भाई। और अगर आपको ये जंप को डीएक्टिवेट करना है तो 1215 फिर से डाल दो, डीएक्टिवेट हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर अल्ट्रा सुपर जंप का चीट कोड बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर 1216 डायल करते हो तो भाई अल्ट्रा सुपर जंप एक्टिवेट हो जाएगी, भाई प्लेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ये देखो। उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर 1120 डायल करते हो तो भाई आपका प्लेयर स्काईफॉल लेने वाला है काफी ज्यादा ऊपर से, ये देखो भाई एक बहुत ज्यादा ऊपर से गिरेगा मतलब। उसके बाद गाइज अगर आप 1112 डायल करते हो तो आपका कैरेक्टर स्लो मोशन हो जाएगा, मतलब कि सब कुछ स्लो चलेगा, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर एक और लेवल बढ़ाते हैं अपन, ये देखो 1112 डाला मैंने और ज्यादा स्लो हो गया। तो यहाँ पर 3 लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, ये देखो गाइस और भी ज्यादा स्लो हो चुका है। और अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो फिर से यही कोड डाल दो, थोड़े टाइम लेगा यहाँ पर और ये कोड मतलब ये स्लो मोशन डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये देखो। उसके बाद गाइस अगर आप 7112 डायल करते हो तो मून ग्रेविटी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं आपको नीचे जंप करके दिखाता हूँ, अपना प्लेयर बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ये देखना, ये देखो गाइस मून ग्रेविटी एक्टिवेट हो चुकी है, भाई इसके नीचे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब आता है गाइस प्लेयर का सबसे लास्ट चीट कोड। अगर आप यहाँ पर 0000 और 0 5 बार 0 टाइप करते हो ना तो भाई आपका प्लेयर सुसाइड कर लेगा,
तो ये प्लेयर का सबसे लास्ट चीट कोड है। ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये न्यू कार आने वाली है जिसका नाम एंडेवर है शायद यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये अपग्रेड होने वाली है नेक्स्ट अपडेट के अंदर। और गाइस नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पर है ना ये येलो एंड ब्लैक वाली ऑटो रिक्शा भी आने वाली है जिसे टुक टुक भी कहते हैं, तो ये आपको इंडियन बाइक के अंदर नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। और गाइस इनके जो इंटीरियर के फोटो है ना वो भी लीक होके आ चुके हैं, दोनों को दिखा देता हूँ। ये देखो ये येलो वाली का इंटीरियर है और यार काफी ज्यादा डिटेल मॉडल है भाई, और ये अपना ब्लैक वाली का इंटीरियर, तो ये दोनों चीजें आने वाली है नेक्स्ट अपडेट के अंदर। अब गाइस बच जाते हैं यहाँ पर आरजेएस टूल के सारे सीक्रेट चीट कोड। इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये बिल्डिंग और ये सामने इतने सारे घर वगैरह मैंने कैसे ऐड करें, अगर आपको ये जानना है आरजेएस टूल के सारे सीक्रेट चीट कोड वगैरह, तो गाइस आपके सामने दो वीडियोस आ रही होंगे, दोनों वीडियो ओपन करके देखो आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।